हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनियन बैंक में मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप FD किस प्रकार से यानी कि बना सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं यानी कि आप जो FD मोबाइल यानी कि बैंकिंग चालू करेंगे तो इसमें आपको डेबिट कार्ड यानी कि चाहिए रहेगा और आपको एक मोबाइल नंबर जो बैंकिंग के साथ लिंक हो। तो अपन जो है दोस्तों प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ से यूनियन मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। यूनियन बैंक आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यू मोबाइल, मतलब यूनियन बैंक का जो है एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड मैंने कर लिया है, अब मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। वीडियो तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि ओपन हो चुकी है। यहाँ पे पिन डालना है दोस्तों, मैंने ये रजिस्टर पहले से कर लिया है तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो FD दोस्तों बनाने के लिए हमको यानी कि ये तीसरे नंबर पर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, तो इस पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन FD अकाउंट, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी FD बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो क्रिएट किया था ये शॉर्ट टर्म्स डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो ये काफ़ी कम समय के लिए होता है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे दोस्तों आप पैसा डाल सकते हैं, मिनिमम दोस्तों आपको 500 रुपया से स्टार्ट होगा यानी कि FD बनाने के लिए, 500 से कम आप यहाँ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ 15 दिन मैंने कर लिया। और यहाँ पे आप नॉमिनी जो है तो आप नाम डाल सकते हैं, अपने माता जी का या पिताजी का आप नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप लिख लीजिए फादर मदर जो भी हैं आपके, वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों आप यूनियन बैंक में FD बना सकते हैं। तो मैंने दोस्तों एक FD क्रिएट किया था तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यह दोस्तों FD है, ये मैंने 15 दिन के लिए यानी कि क्रिएट किया है। तो 500 रुपये यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किए थे, तो इसका जो ब्याज है दोस्तों आप 5% यानी कि दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों सालाना है, मतलब 5% सालाना, 1 साल में 5% बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप ब्याज है मुझे 1 रुपये यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे 15 दिन के बाद मेरे अकाउंट में 501 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे, तो 1 रुपये का मुझे मुनाफा फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं,
पर यहाँ दोस्तों कम पैसे हैं, तो यहाँ पे एफडी आप क्रिएट करेंगे बनाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये यूनियन बैंक में दोस्तों एफडी बनाना है, उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में आपको आरडी बनाना सिखाऊंगा। तो यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।